2017 का है ये भी हमारे पास, ये नॉन कॉलिजेंट का है, ठीक है 2017। देखिए क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन में दिया हुआ है अ फर्म प्रोड्यूसेस थ्री प्रोडक्ट्स, तीन प्रोडक्ट बनाती है फर्म ए एंड बी एंड सी एंड इट्स सेल इनटू द टू मार्केट, दो मार्केट दी हुई है फर्स्ट मार्केट एंड सेकंड मार्केट। इफ द प्राइजेस पर यूनिट ऑफ ए एंड बी एंड सी आर दिस, तीनों के प्राइजेस दिए हुए हैं एंड द कॉस्ट पर यूनिट दिस, कॉस्ट पर यूनिट भी दिया हुआ है, फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट यहां पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपके पास मैट्रिसेस दी हुई है उनसे आप मैट्रिक्स निकालेंगे। तो ये तो रहा प्राइस, प्राइस मीन्स रेवेन्यू, तो उसको मैं आर से डिनोट कर देता हूँ और आप उसका मैट्रिक्स बना दीजिए, कितना आया 250, 125 और 150। तो ये प्रोडक्ट ए है, ये प्रोडक्ट बी है और ये प्रोडक्ट सी है। इसके बाद यहाँ पर नीचे कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, तो कॉस्ट को मैं सी फंक्शन ले रहा हूँ, कॉस्ट को आप सी ले लीजिए, ठीक है। कॉस्ट दी हुई 170, 120 और 80, ए बी और सी, क्लियर है। तो आप सभी को पता होगा प्रॉफिट आप सब कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट मींस होता है कि रेवेन्यू जो पोर्शन में जनरेट हो रही है उसमें से कॉस्ट माइनस कर दो, उसमें से कॉस्ट क्या कर दो, माइनस कर दो। तो हमारे पास रेवेन्यू दी हुई है, कॉस्ट फंक्शन भी दिया हुआ है, दोनों को आप माइनस कर दीजिए, आपके पास यहाँ पर प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि पहले उसने प्रॉफिट ही पूछा है हमसे, तो प्रॉफिट यहाँ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो पहले प्रॉफिट की हम पर यूनिट निकाल रहे हैं, प्रॉफिट को हम पहले पर यूनिट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए मैं माइनस कर रहा हूँ दोनों को इस वाली मैट्रिक्स में, तो ये दोनों आर और सी माइनस हो रहे हैं और यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा ए बी और सी का। तो 250 में से 170 गए 80, 125 में 120 गए 5 और 150 में से 80 गए 70। तो ये आ गया प्रॉफिट पर यूनिट हमारे पास, ठीक है, प्रॉफिट पर यूनिट हमारे पास ये क्या है, निकल कर यहाँ पर आ गया है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें टोटल प्रॉफिट चाहिए, जो ऊपर मैट्रिक्स दी हुई है कि इतनी इतनी यूनिट्स हम सेल कर रहे थे तो हमारे पास कितना प्रॉफिट होगा बता दीजिए आप। चलिए बता देते हैं, तो आप क्या करें, इस प्रॉफिट मैट्रिक्स को इस जो ऊपर मैट्रिक्स दी हुई थी इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो आपके पास मैट्रिक्स क्या थी, 80, 140, 160, 80, 140, 160, ठीक है 80 है ये, नेक्स्ट है ओ ओनली 40 है, ठीक है ठीक कर देंगे, 70, 180, 90, 70, 180, 90, तो ये हमारे पास 140 है, ठीक है दोस्तों 40 है ओनली, क्लियर। अभी प्रॉफिट पर यूनिट निकाला था आपने, कितना कितना आया था प्रॉफिट पर यूनिट, 85 और 70, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल सही है विशाल, आप मल्टीप्लाई कर दें इस मैट्रिक्स को, आपके पास प्रॉफिट पर यूनिट्स निकल कर आ जाएंगी। तो मैं दोनों मार्केट, मार्केट वन और मार्केट टू का निकाल रहा हूँ, तो मैं एक बड़ी मैट्रिक्स यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। तो आप 80 को, आपको पता ही है फॉर्मूला दोबारा हमारे पास क्या होता है कि आपको फर्स्ट रो को इस कॉलम से, फिर सेकंड रो को इस, फिर दोबारा इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ठीक है ना, मैंने नोटेशन पहले ही दे दी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 80 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 160 मल्टीप्लाई बाय 70, सेकंड में लिखिए सेकंड रो, 70 मल्टीप्लाई बाय 80 प्लस 180 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 90 मल्टीप्लाई बाय 70, ठीक है। टोटल कितना आया आप सभी के पास, टोटल कर दें इसका, फाइनल टोटल, फाइनल टोटल इसका तो 6400 हो गया, इसका तो हो जाएगा 200 और इसका हो जाएगा, कर देता हूँ 11200, इसका देख लेते हैं, इसका तो 56 हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है, 18 95 90, 9000 9 63 6100, सबका टोटल कर देंगे मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा आंसर 17800 और 12800, क्लियर सभी को, क्लियर यहाँ तक।